बट इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था, मैं आपको क्या बताऊं। आप जरूर इसी तरीके से बनाइएगा बट, और एंजॉय करिएगा, और हमारी वीडियो को आगे तक ले जाइए प्लीज़। मेरे बेटे को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लिया करें और दुआ में याद रखा करें। आगे हम आप लोग की प्यार मोहब्बत से आगे इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत करते रहेंगे तो और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या हमको लेना है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। आगे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बकरा ईद स्पेशल बट। तो यहाँ पे देखिए ये मोटी वाली बट है, हमने इसको साफ करके उबाल के अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ किया, देख ले सकती हैं आप लोग। ये तो इस तरह से हमने पीसेस कर लिया है। ये वजन में 1 किलो के आसपास है। यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ के 5 प्याज लिया है। टमाटर हमने 1 ही लिया है, इसमें तो जाता ज़्यादा ही 3 से 4 टमाटर जाता है, लेकिन टमाटर बहुत महंगा है तो मैं 1 डाल रही हूँ। 3 से 5 6 जो है छोटी इलायची है, 5 6 लौंग है, 1 लकड़ी है, 2 तेज पत्ते हैं। यहाँ पर कुछ हमने मसाले लिए हुए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, यह कश्मीरी मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने तीखी मिर्च ली। हमने थोड़ा कम तीखा बना रहे हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्चियाँ इस तरह से काट के, तो सबको साथ में डाल देती हूँ। तो ये सावधान बनाने में एक साथ में सारी चीज़ें डाल दूंगी, अलग अलग कोई चीज़ नहीं पकाने वाली हूँ मैं, सब चीज़ एक साथ में डालूंगी। हमने बट डाला है पहले, और इसके बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे, और इसी में तेल डाल दूंगी, सारी चीज़ें एक साथ डालूंगी, और इसको मैं 4 से 5 सीटी लगा के पका लूंगी, अच्छे से गला लूंगी। यहाँ पे हमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून तेल, मैं तेल कम डाल रही हूँ, आपको जैसा पसंद है, ज़्यादा कम खा रही हैं जिसे उस हिसाब से डाल दीजिए। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, मेरे यहाँ नमक थोड़ा कम खाया जाता है, आप अपने हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने तेल भी डाल दिया, अब इसको कुकर में लीड लगा के रख दूँगी, फिर मिलते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिए, इसमें डालने जा रही हूँ 1/2 गिलास पानी, ये देखिए, और इसको मैं 1 सीटी हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, फिर उसके बाद 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे छोड़ दूंगी पकने के लिए। यहाँ पे हमने 1 सीटी हाई फ्लेम पे लगाया है, फिर 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे पका लिया है। तो ये देखिए इसमें क्या प्रेशर निकल चुका है, तो आप देख सकती हैं माशाल्लाह से ये अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसकी भुनाई करूंगी, और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूंगी, और माशाल्लाह से बहुत खुशबू अच्छी आ रही है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको गला है कि नहीं, ये अच्छे से गल चुका है, जो थोड़ा बहुत कसर है वो हो जाएगा, ये गल चुका है, हाँ ये अच्छे से पक चुका है। तो चलिए मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ फटाफट। यहाँ पे देखिए मेरी जो है बट की भुनाई हो रही है, माशाल्लाह से 8 से 9 मिनट हो गया इसको भूनते हुए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाली हूँ, ये होममेड है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए झटपट इसको 5 से 6 मिनट और इसकी भुनाई करूँगी, ताकि बिल्कुल मसाला इसमें चिपका चिपका हो। हाँ, यहाँ पे आप नमक चेक कर लीजिए, अगर नमक कम है तो नमक डाल दीजिए, और जो है अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो 2-4 मिनट और इसकी भुनाई करिए, थोड़ा सा इसमें 1/2 कप पानी डाल दीजिए, अगर आपको चाहिए, नहीं तो 2-3 टेबल स्पून डाल दीजिए पानी, बस बहुत है। लेकिन मुझे ग्रेवी वाला नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरह से भुना भुना चाहिए। इसको पाव से, आप तंदूरी से, या चपाती से, या पराठे से बहुत टेस्टी बनता है। तो आप मेरी वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को जरूर देखा करें, शेयर भी किया करें प्लीज़, अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करें। चलिए मैं इसकी भुनाई भी कर लेती हूँ फटाफट, फिर सर्व करते हुए मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे हमने बट के 10 से 12 मिनट हो गया इसकी भुनाई करते हुए। अब इसमें मैं हरी धनिया डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर के, मुझे धनिया बहुत इसमें अच्छी लगती है। तो चलिए अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ इस तरह से, देखते हैं ना कितना प्यारा कलर आया है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। और चाहे जल्दी से मेरे, अब मेरी वीडियो यहाँ पे हो रही है खलास, मेरी वीडियो को इंशाल्लाह आप लोग बहुत आगे तक ले जाएंगी, मुझे अपने व्यूअर्स से बहुत उम्मीदें हैं। अब यहाँ पे होती है मेरी वीडियो खलास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।